दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ हैं निशा दुबे जी, भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस। और ये देखिए लाल कलर का ये जो लहंगा पहनी हुई है, और लाल कलर का ये लाल परी लग रही है। और ये बाल जो है काले काले हैं। ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? ओरिजिनल है, पक्का डुप्लीकेट चीज है। और ये झुमका सब सब ओरिजिनल है, मतलब गोल्ड का है? नहीं, मतलब गोल्ड का नहीं है, सिटी गोल्ड ही है, लेकिन सब ब्रांडेड झुमके। और इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ और छत के ऊपर मैं खड़ा हूँ, यहाँ शूटिंग चल रही है और इनको बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ज्यादा ठंडी है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार प्रणाम। हम लोग यहाँ लखनऊ में शूट कर रहे हैं और जो लोग मेरा अपडेट देख रहे हैं उनको तो पता ही है, फेसबुक इंस्टा हर जगह मैं अपडेट कर रही हूँ सारे फोटोज एंड वीडियोज। लखनऊ में हम लोग फिल्म के शूट कर रहे हैं, फिल्म का नाम है अपना बना लो और बहुत अच्छी शूटिंग चल रही है, सारी चीजें बहुत अच्छी है, ड्रेसेस एंड लोकेशन और डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मतलब बहुत 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 मजा आ रहा है। बहुत दिन बाद ऐसी फिल्म कर रही हूँ जिसमें कि मुझे मजा आ रहा है। निशा जी, फिल्म का नाम है अपना बना लो, तो क्या आपने सेट पर किसी को अपना बनाया? नहीं नहीं, फिल्म में सिर्फ अपना बना रही हूँ, समर को सेट पे नहीं। मतलब समर इनके अपने हो चुके हैं, बताना नहीं चाह रही हैं। अपने हो चुके हैं, हमारी शादी का न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो गया था और रिसेंटली मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे थे मेरे सोशल मीडिया से, कह रहे आपने शादी कर ली, बताया नहीं बताया नहीं, तो इसलिए मैं रिवील कर रही हूँ सब लोग को कि भाई शादी वादी नहीं हुई है, सेट पे बस ये फिल्म में शादी हुई है। निशा जी कितनी शादियाँ कर चुकी अभी तक पूरे फिल्म में? मुझे लगता है 25-30 तो कर ही चुकी होंगी अभी तक। और रियल लाइफ में? लेकिन आगे का कुछ हो ही रियल लाइफ में भी करूंगी, बहुत जल्द करूंगी, देखते हैं कब तक ऊपर वाला भेजता है। कोई मिला अभी तक? तो नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा, होप सो। चलिए भगवान करे जल्दी आपको मिल जाए और इस ठंडी से निजात दिलाए। बहुत ज्यादा अच्छा ठंडी है, अब हमारे बॉम्बे में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं, अच्छा वेदर है यहाँ तो, बाप रे बहुत ज्यादा। और ये हमारे संजय भूषण पटियाला जी मुझे छत पे लेके आए हैं और ठंडी हवा चल रही है। मैं इनको धूप में ले जा रहा था, लेकिन बोलते नहीं मैं धूप में, वीडियो में शैडो आएगा ना चेहरे पे, इसके लिए। अच्छा, एक बार धूप में थोड़ा सा लें आपको क्या? आइए किधर चला दे, इधर देखिए हमारे रात के शूट के लिए ये सेटअप रेडी हो रहा है, आप ये सेटअप भी दिखा सकते हैं। मतलब आज फिर से निशा दुबे जी की शादी होने वाली है? शादी आज, जो शादी हुई थी उसकी आज ये पार्टी की तैयारियां चल रही है, मतलब जैसे शादी में जब बारात आता है ना तो जो सारी चीजें दिखाते हैं। हाँ। वो आप दिखा सकते हैं सारा। तो ये देखिए निशा दुबे जी के रिसेप्शन का ये जो है ना, शादी हो चुका है, रिसेप्शन की तैयारी चल रहा है और यहाँ बहुत अच्छे पकवान पकने वाले, चिकन मटन वेज वगैरह सब है। अच्छा तैयारी। अच्छा पानी पूरी यहाँ मिलेगा नहीं रिसेप्शन में? पानी पूरी क्यों खाना है? पानी पूरी मैं पर्सनली खिला दूंगी भैया, मेरे रिसेप्शन में आज गाजर का हलवा बनने वाला है। बस खाली गाजर का हलवा खाएंगे जो रिसेप्शन आएगा, स्वीट्स में गाजर का हलवा और बाकी वही दाल पूरी और सब्जी वब्जी। तो रिसेप्शन में जो मिलेंगे गिफ्ट वगैरह, कुछ पैसे से मिलते हैं? वो फिल्मी शादी में पैसे नहीं मिलते, वो सिर्फ दिखावा होता है, रियल वाले में मिलेगा। अच्छा, मैं सोच रहा था लखनऊ को बता दूं कि आज निशा दुबे की शादी है, जो किसी को भी अगर शादी में अटेंड होना हो, रिसेप्शन अटेंड करना हो तो 100 रुपये लेके आइए और साथ में एक सोने का सिक्का लाइएगा। माय गॉड, फिर तो मैं सबको खाना खिलाना चालू कर दूं। फिल्म के डायरेक्टर के बारे में बताएं और एक अपना बना लो का एक क्या उद्देश्य है सिनेमा बनाने के लिए बताइए। दरअसल हमारी फिल्म के डायरेक्टर चंदन सिंह जी हैं, क्योंकि पहले भी 2-3 फिल्में कर चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी अच्छे स्टार्स के साथ काम कर चुके हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। हमारे बहुत पुराने दोस्त थे, हम लोग जब बहुत स्टेज शोज वगैरह करते थे उस वक्त से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर अनफॉर्चुनेटली साथ में काम करने का मौका नहीं मिला, तो अब हम साथ में पहली बार ये फिल्म कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। आज 6th डेज है शो का, सॉरी हमारे शूट का, तो अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, होप सो। मतलब इतनी अधिक शो करती हैं कि आपको अभी शूटिंग? शो ही निकलता है मुझसे, शूट बहुत कम करती हूँ ना, शो ज्यादा करती हूँ। अच्छा, अभी तक पूरी फिल्में कितनी हो चुकी है आपकी, शुरू से लेकर अभी तक? फिल्में क्या? हाँ, कितने फिल्में आपने अभी तक किया है? मैंने अभी तक बताया 25-30 के बीच में होगा, 25-30 के बीच में, काउंट नहीं किया पर मे भी इतना तो होगा। और आपके साथ इस फिल्म में कलाकार कौन कौन है? मेरे साथ जो उनकी एक्ट्रेस है वो है कल्पना जी, जो कि न्यू कमर है, गिरी शर्मा जी हैं, ऋतु पांडे जी, महेश आचार्य जी और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, कौशल जी हैं, आशीष तिवारी जी हैं, सब लोग हैं, तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। फिल्म में गिरीश जी बहुत अच्छे पिताजी के रोल में शायद कर रहे हैं और भतीजा और पिताजी का कुछ कहानी फिल्म में जहां दिखाया गया, कहानी पूरा थोड़ी बताएंगे। मैं वो कहना चाह रहा हूं कि गिरीश जी के बारे में आपकी क्या सोच है, वो हमेशा खलनायक करते हैं, इस बार पॉजिटिव रोल कर रहे हैं।
गिरीश जी के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मैंने काफी फिल्में उनके साथ की है, दिलदार सजना, तकरार और बहुत सारी फिल्में उनके साथ की है मैंने। अच्छे आर्टिस्ट हैं और विलन का इसमें ठाकुर वाला कुछ अकड़ू ठाकुर का कैरेक्टर है उनका, मतलब मेरे ससुर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो, तो बाकी एक्टर अच्छे हैं तो अच्छा ही करेंगे। फिल्म में और भी आपके साथ कोई को आर्टिस्ट है फीमेल में? फीमेल में कल्पना जी है जो कि सेकंड लीड हीरोइन का काम कर रही है, जैसा कि मैंने बताया न्यू कमर है वो, तो अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सिनेमा और स्टेज शो में क्या कुछ अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। सिनेमा में है कि हम एक भी सीन को, एक भी डायलॉग को 10 बार भी रिपीट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर एक बार अच्छा नहीं हुआ तो उसको दोबारा से हम कर सकते हैं। तो स्टेज शो में ऐसा है कि अगर एक बार गलत हो गया, एक बार गलत बोल दिया या गलत गा दिया तो फिर वो गलत हो जाता है, उसको हम दोबारा से सही नहीं कर सकते। फिल्म के डायरेक्टर के साथ कैसा अनुबंध है आपका? मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है चंदन जी के साथ, जैसा कि मैंने बताया मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, घर वाले संबंध हैं, उनकी बीवी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उनकी बीवी भी है यहाँ पे सेट पे और हम सब मिलके बहुत एंजॉय कर रहे हैं। शूटिंग के साथ साथ एंजॉय ज्यादा हो रहा है। कैसा लगा लखनऊ शहर आपको? बहुत प्यारा। वैसे मैं ये बताना भूल गई थी कि ये मेरा पहला शूट है लखनऊ में, मैं यही बनारस में सामने हूँ लेकिन फिर भी मैं शूट लखनऊ बहुत कम आ पाती हूँ, ये पहली बार है जो मैं शूट कर रही हूँ और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये शहर और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा यहाँ। अभी 2021 आने वाला है, सबसे पहली फिल्म कौन सी होगी जो रिलीज की जाएगी? मेरे हिसाब से 2021 की सबसे पहली फिल्म मेरी या तो ये होगी अपना बना लो या तो फिर टकरार होगी, क्योंकि राकेश मिश्रा जी के साथ मैंने किया है। अच्छा, दोनों से कोई एक हो सकता है। राकेश मिश्रा जी का आजकल गाना बहुत हिट चल रहा है और सबको टक्कर दे रहे हैं, साथ में एक और सिंगर है जिसका नाम है नील कमल। अच्छा। दोनों ने पूरे इंडस्ट्री को हिला के रखा है, इस पे आपकी क्या कमेंट है? आप भी एज ए गायक हैं। बहुत अच्छी बात है, महादेव का आशीर्वाद सब पे बना रहे। राकेश जी बहुत अच्छे सिंगर है, नील कमल जी भी बहुत अच्छे सिंगर है, इवन मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। हम लोग ज्यादा काम नहीं कर पाते साथ में लेकिन हमारी दोस्ती सभी लोगों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी। और राकेश जी का गाना भी बहुत अच्छा बज रहा है, नीलकमल जी का भी गाना बहुत अच्छा बज रहा है, तो मैं अपने तरफ से ब्लेसिंग्स दूंगी उनको और ये कामना करूंगी कि आगे भी ऐसे गाने बजे। निशा जी, आपका लेटेस्ट कोई एल्बम आने वाला है? अभी काफी सारे एल्बम मेरे रिलीज हुए हैं वर्ल्ड वाइड से, एसआर की म्यूजिक से, सभी जगहों से, और बाकी अभी अब प्लानिंग है होली करने की। कुछ जाते जाते एक आध अंदरा मुखड़ा किसी के पिक्चर का या किसी एल्बम की तरह सुनाएंगे? बहुत सारे गाने हैं, कौन से गाने सुनाऊं? जो सबसे आपके दिल के करीब गाना हो, जो पब्लिक जिस पे बहुत डिमांड करती है स्टेज पे कि यही गाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे गाने हैं जो स्टेज पे डिमांड करते हैं, तो उनमें से मेरे वर्ल्ड वाइड से मेरा एक गाना रिलीज हुआ था जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, अरे यूपी बिहार के हाए करे जजनी पढ़ो चले सा हो कि हम तक तो हरे हाई निसा बोला चाही कही सा हो। ये गाना बहुत अच्छा था और आज भी पब्लिक का बहुत प्यार मिलता है मुझे। इस सिनेमा के बाद क्या कुछ प्लानिंग है नई पिक्चर शूट करने का? इस सिनेमा के बाद अभी सिर्फ मेरा एल्बम का प्लान है जो कि होली और बहुत सारी एल्बम्स भी पेंडिंग है, पीआरए फिल्म के कुछ गाने हैं, एसआरके के कुछ गाने हैं जो कि पेंडिंग है, इसके बाद मुझे सब वो सब कंप्लीट करना है। और बाकी फिल्मों की भी बात चल रही है, फरवरी और मार्च में एक तेलुगु फिल्म की भी बात चल रही है, होप सो सब अच्छा हो जाए तो फिर वहाँ भी कर दूंगी। आज भिखारी ठाकुर जी का जन्मदिन है, कुछ गाना चाहेंगे? वो तो हमारे बहुत महान है, उनके बारे में उनके घर परिवार वाले जो हैं उनको, इससे पवन राय जी हो गए और उनके जो भी घर के लोग हैं सबको मेरी तरफ से प्रणाम है और ब्लेसिंग्स है मेरी तरफ से। अपने भोजपुरी दर्शकों को कुछ कहना चाहती हैं? मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, प्यार में एकदम कमी मत कीजिएगा, भर भर के प्यार दीजिए, अकेले जंग लड़ रही हूँ तो आप सबके प्यार की बहुत जरूरत है मुझे। इंडस्ट्री में बहुत कॉम्पिटिशन है और बहुत मुश्किल से टिकी हुई हूँ मैं, सिर्फ आप सबके प्यार और आप सबके लव के बदौलत, तो आप सब मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसी आशीर्वाद देते रहिए ताकि आगे भी हम लोग ऐसे चौके छक्के मारते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच।